हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, साउथ की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्में देखना किसे पसंद नहीं होता, क्योंकि दोस्तों उनकी स्टोरी इतनी लाजवाब होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि फिल्म में क्या कुछ हो रहा है। तो गाइस, ऐसी साउथ की 10 बेहतरीन फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना होगा। और गाइस, आपसे हो सके तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना, ताकि हमें और भी मोटिव मिल सके और भी ऐसी वीडियो को प्रोड्यूस करने में। तो गाइस, बिना व्यर्थ गवाए चलते अपनी वीडियो की तरफ। वेलकम मिस्टर डिटेक्टिव। नंबर 10, थुपारी वालन। 2017 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे मेक्सिकन, एंड इस मूवी के लीड रोल में नजर आए थे विशाल पसना अनु। इस मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। तो गाइस, बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की। तो इस मूवी को 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है, और ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से 93% लोगों ने इस मूवी को पसंद एंड लाइक किया। तो गाइस, फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है एक कुत्ते से जो गायब हो जाता है। फिर उस कुत्ते की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन फिर जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जो कुत्ता होता है उसके जरिए किस तरह से एक साजिश रची जा रही है। तो गाइस, एक बेहतरीन सी फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक मिस किया हो तो ये भी YouTube पे डेसिंग डिटेक्टिव हिंदी सबटाइटल के साथ YouTube पे अपलोड है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप जाकर इस फिल्म को एक बार जरूर एंजॉय करना। नंबर 9, मनाग्रम। 2017 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे लोकेश कनगराज, एंड इस फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे संदीप किशन, रेजिना केस्ट्रा, चारली इस फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे। तो गाइस, बात करते हैं इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की। तो इस फिल्म को 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली है, और ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को 94% लोगों ने इस फिल्म को पसंद एंड लाइक किया। तो गाइस, फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो अपना इंटरव्यू देने के लिए चेन्नई जाता है, लेकिन फिर कुछ लोग किस तरह से उसे पेट देते हैं, लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो किस तरह से किडनैप कराने लगता है। तो गाइस, एक बेहतरीन सी फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस फिल्म का जो हिंदी टाइटल रखा गया दादागिरी 2। तो अगर आपने इस फिल्म को अभी तक मिस किया तो लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। हाँ गाइस, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो ये आपको हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 8, थडम। 2019 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे मांगीजी थिरुमेनी, एंड इस फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे अरुण विजय, विदा, तानिया ओप। इस फिल्म के हमें लीड रोल में नजर आए थे। तो गाइस, बात करते हैं इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की। तो इस फिल्म को 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है, और ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को 96% लोगों ने इस फिल्म को लाइक एंड पसंद किया। तो गाइस, फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है दो भाइयों से जो जुड़े होते हैं, लेकिन उनमें से एक होता है जो मर्डर कर देता है, लेकिन जो दोनों भाई होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे को बचाते हैं। तो गाइस, एक बेहतरीन सी फिल्म है यार। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो यार, इस फिल्म को तो एक बार जरूर एंजॉय करना, क्योंकि गाइस आपको इस फिल्म में तो काफी अच्छा खासा क्राइम भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो यार, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर हिंदी में सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाएगी, तो आप जाकर इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया यार, आप जाकर इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। नंबर 7, वज्जिकू एन। 2012 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे बालाजी सक्तीवेल, एंड इस फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे उर्मिला मानता, मनीषा यादव, मिथुन मुरली इस मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। तो गाइस, बात करते हैं इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की। तो इस फिल्म को 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है, और ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से 92% लोगों ने इस फिल्म को लाइक एंड पसंद किया। तो गाइस, इस फिल्म की कहानी बेस्ड है एक आदमी के ऊपर जो किस तरह से अपने पड़ोसन का एक वीडियो बना लेता है, फिर उसको अपने सभी दोस्तों में भेज देता है, फिर जो वो औरत होती है वो पुलिस के पास जाती है। तो गाइस, एक बेहतरीन सी क्राइम वाली फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो ये फिल्म अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो गाइस, आप सभी को बता दूं कि ये अभी हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ये फिल्म तमिल में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस फिल्म को तमिल में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर एंजॉय करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप जाकर इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। नंबर 6, थिरन अधिकारम ओनडू। 2017 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन क्राइम वाली फिल्म थी, जिसे की डैड कहते विनोद, एंड इस फिल्म के लीड रोल नजर आएंगे कार्ति, रंकोपी से, अभिमन्यु से, इस फिल्म के में लीड रोल नजर आएंगे। तो गाइस, बात करते हैं इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की। तो इस फिल्म को 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली है, एंड गूगल क्रिटिक्स से 95% लोगों ने इस फिल्म को लाइक एंड पसंद किया। तो गाइस, इस फिल्म की कहानी बेस्ड है एक ईमानदार पुलिस वाले के ऊपर, क्योंकि गाइस जो ईमानदार पुलिस वाला होता है वो उन लोगों को ढूंढता है जो लोगों को लूटते और
उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। तो गाइस एक बेहतरीन सी क्राइम वाली फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो यार ये अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस फिल्म का जो हिंदी टाइटल रखा गया थिरन, तो आप इस फिल्म को जब यूट्यूब पर हिंदी सब टाइटल के साथ यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आप इस फिल्म को जल्दी से जरूर एंजॉय करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप जाकर इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। ऑलरेडी हम प्रॉब्लम में फंसे थे यार, तूने नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। नंबर 5 ध्रुवंगल पदिनारू 2016 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर क्राइम वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे कार्तिक नारायण। एंड इस फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे कार्तिक नारायण, रघु रंजना, जयप्रकाश इस फिल्म के में लीड रोल में नजर आए थे। तो गाइस बात करते हैं इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 10 में से 8.4 की रेटिंग मिली है। एंड गूगल यूजर से 95% लोगों ने इस फिल्म को लाइक एंड पसंद किया। तो गाइस इस फिल्म की स्टोरी बेस्ट है क्राइम और सस्पेंस में, क्योंकि गाइस आपको इस फिल्म में क्राइम और सस्पेंस इतना सारा देखने को मिलेगा कि ये फिल्म आपको स्टार्टिंग से अंत तक बांधे रहेगी। तो गाइस अगर आप इस फिल्म को अब तक एंजॉय नहीं किया तो यार इस फिल्म को तो जरूर एंजॉय करना। अगर आपने इस फिल्म को अब तक एंजॉय नहीं किया तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, तो आप जाकर इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। नंबर 4 चिविसा रानी 2015 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे वेत्री मारन। एंड गाइस इस फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे हसिका, मिसा घोषाल, किशोर आपको इस फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे। तो गाइस बात करते हैं इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली है और ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से 94% लोगों ने इस फिल्म को लाइक एंड पसंद किया है। तो गाइस इस फिल्म की कहानी बेस्ट है 4 मजदूरों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो 4 मजदूर होते हैं वो किस तरह से एक चोरी में पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। तो गाइस वो 4 चोर होते हैं और किस तरह से अपनी मजदूरी से हाथ को बैठ देते हैं। तो गाइस एक बेहतरीन सी क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो गाइस ये भी तमिल में, तो आप इस फिल्म को तमिल में देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस अगर आपने फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर जरूर एंजॉय करना, ये आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, तो तमिल में। नंबर 3 थानी उर्वन 2015 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे एम राजा। एंड इस फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे जयम रवि, नयनतारा, अरविंद स्वामी इस फिल्म के में लीड रोल में नजर आए थे। तो गाइस बात करते हैं इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 10 में से 8.4 की रेटिंग मिली है और ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से 95% लोगों ने इस फिल्म को लाइक एंड पसंद किया है। तो गाइस ये एक बेहतरीन सी फिल्म है क्राइम के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आपको इस फिल्म क्राइम और थ्रिलर इतना सारा देखने को मिलेगा कि ये आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। तो गाइस इस फिल्म को तो जरूर एंजॉय करना, ये आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी हिंदी में, तो आप जाकर इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। इस फिल्म को यूट्यूब पर सब टाइटल के साथ यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, तो आप जाकर इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना यार। नंबर 2 विक्रम वेदा 2017 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर एक्शन वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे पुष्कर गायत्री। एंड इस फिल्म के में लीड रोल नजर आए थे विजय सेतुपति, श्रद्धा श्रीनाथ कतीर इस फिल्म के में लीड रोल नजर आए। तो गाइस बात करते हैं इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 10 में से 8.7 की रेटिंग मिली है। एंड ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से 96% लोगों ने इस फिल्म को पसंद एंड लाइक किया। तो गाइस फिल्म की स्टोरी बेस्ट है एक पुलिस वाले के ऊपर, जो विक्रम और साइमन किस तरह से एक हत्यारे को ढूंढते हैं, लेकिन जो वेदा होता है वो किस तरह से विक्रम के जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष पैदा कर देता है। तो गाइस ये फिल्म तो काफी जबरदस्त है, और गाइस इस फिल्म में जो इसमें जो थ्रिलर के वो सीन देखने को मिलेंगे वो हमारे दिमाग को चकरा देंगे। तो गाइस ये फिल्म तो आपको, तो गाइस अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो यार इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी हिंदी में, तो आप जाकर जरूर एंजॉय करना। नंबर 1 और आखिरी पर आती है रथ शासन 2018 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की क्राइम एक्शन वाली फिल्म थी, जिसे की डायरेक्ट किए थे राम कुमार। एंड इस फिल्म के में लीड रोल में नजर आए थे विष्णु अमला पॉल, काली वेंकट इस फिल्म के में लीड रोल में नजर आए थे। तो गाइस बात करते हैं इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 10 में से 8.7 की रेटिंग मिली है। एंड ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से 98% लोगों ने इस फिल्म को पसंद एंड लाइक किया। तो गाइस फिल्म की स्टोरी बेस्ट है एक साइको किलर के ऊपर, जो किस तरह से लड़कियों को स्कूल से किडनैप करके उन्हें किस तरह से बेरहमी से मार देता है। तो गाइस जो पुलिस वाला होता है वो फिर किस तरह से उसका पता लगाता है। तो गाइस इस फिल्म में जो क्राइम के वो सीन देखने को मिलेंगे वो हमारे दिमाग को घुमा देंगे। तो गाइस फिल्म तो काफी जबरदस्त है, अगर आपने इस फिल्म को अभी तक एंजॉय नहीं किया तो यार इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना। हां गाइस आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म कभी भी कॉपीराइट के कारण यूट्यूब से हट सकती है, तो आप जितना जल्दी हो सके इस फिल्म को जरूर एंजॉय करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर जरूर एंजॉय करना।
तो दोस्तों ये थी साउथ की 10 बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्म। अगर गाइस वीडियो में कोई भी मूवी इधर उधर वॉच की हो तो अपना छोटा भाई समझ के जरूर माफ कर देना, और गाइस वॉच के तो वीडियो को भी एक लाइक करके जाना। अगर गाइस आप हर रोज ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, लव यू मेरे व्यूवर्स।